हिंदुओं को दे दिया, पश्चिमी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर इस देश में पहली बार बंटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो करजन था, जिसने पाकिस्तान की नींव 1905 में रखी थी। उस करजन के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्यालय उसी बिल्डिंग से चलता है, करजन बिल्डिंग। ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आप। हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी, कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में। कभी कभी मेरा दिल जलता है, आप बंबई जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए, तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया, लेकिन अधूरा काम किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया, लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई। आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर, तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की, जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किए, वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे। हमने आजादी के 62 साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया। सरकारें मंदिर गिरा देती है इस देश में, आपको मालूम है। हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है? जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है, मस्जिद तोड़ सकती है, गुरुद्वारे तोड़ देती है इस देश में, सड़क को चौड़ा करना है, नगर का सौंदर्य बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है, तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में, उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार? उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का? वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या? विचित्र देश है। तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहां चली आ रही है आजादी के 62 साल के बाद, ये बहुत भारी पड़ गई है। अब इसको तो खत्म करना ही, आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज उठानी ही है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं, मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती हैं, अंग्रेजों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश में। समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं, देश की गुलामी को खत्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती। तो हम लोगों ने तय किया कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये प्रश्न उठाएंगे, और भारत स्वाभिमान बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून, उनके जमाने के नियम, उनके जमाने की व्यवस्थाएं, उनके समय की गुलामी की निशानियां, इन सबको मिटा देना है। आजादी तभी पूरी होगी, शहीदों का सपना तभी पूरा होगा, क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आजादी के लिए लड़ते हुए, आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीर गति पाई, चेम्सफोर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हमसे सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए उनकी मूर्ति को तुमने ये सजा संवार के क्यों रखा है, तो वो तो हंसेंगे विद्रूपता में। वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे या तुम महामूर्ख हो, और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ। जिनकी मूर्तियों को सजाकर हम बिठा के रखे हुए हैं उनके खिलाफ लड़े क्यों? ये गंभीर प्रश्न है, इसको हल करना है, इसी के लिए भारत स्वाभिमान। एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको, आजादी के 62 साल में अंग्रेज चले गए, हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से। अंग्रेज तो चले गए, मार के भगा दिया, किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया,
लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल, सिखाने वाले स्कूल कितने हैं। तो 1946 में एक जानकारी ली गई, सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में, 347। और ये माउंटबेटन ने लिखा है, खुद अपने हाथ से दर्ज किया। वो कहता है कि 1% से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, और 347 अंग्रेजी स्कूल हैं बस। लेकिन अब आजादी के 62 साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि 37,000 से ज्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं, और गांव गांव गली गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए वो तो 1,00,000 से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज्यादा बढ़ी है इस देश में, और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में 2 करोड़ से ऊपर है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर। और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इस देश में। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्नड़ तमिल तेलुगु सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, माने किसान, मजदूर, धोबी, लोहार, कुर्मी, धुनकर, बुनकर, जो 5,447 जातियों में बटे हुए लोग हैं वो बैठेंगे ही नहीं उच्च पदों पर जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इससे बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड के करोड़ों लोगों को हिंदी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती, हम क्यों अफसोस करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती? इंग्लैंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इस बात के लिए पीटते हो को उसको हिंदी नहीं आती। इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते हैं, उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं, कॉलेज में लेके जाते हैं, स्कूल में भर्ती कराते हैं, सारे काम करते हैं, उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, करेगा क्या? सीख भी ली तो करेगा क्या? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा। इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामान्य आदमी की बात बस की बात नहीं है, कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए हैं उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रही है। और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो, इंग्लैंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुलाकर अपने यहां बसा ले, इनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई। वो हिंदुस्तानियत और भारतीयता से तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे, अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लैंड में कभी बस नहीं पाएंगे, वो तो त्रिशंकु हो गए, ना यहां के रहे, ना वहां के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। बच्चों को बचपन से हम प्रताड़ित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, मार मार के सिखाते, यही बोल, मम्मी बोल, पप्पा बोल, डैडी बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल, क्या क्या मूर्खताएं सिखाते हैं बच्चों को। एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे, कभी कभी मैं घरों में जाता हूं, मैं अक्सर लोगों के घरों में ही ठहरता हूं, वहीं खाता हूं, वहीं सोता हूं, तो छोटे बच्चों से परिचय होता रहता है,
तो किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते देख अंकल आए हैं कविता सुना, तो कविता नहीं पोयम सुना, पोयम सुना, अंकल आ गए। और अंकल आ गए, चाचा जी नहीं है, मामा जी नहीं है, मौसा जी नहीं है, अंकल है। और अंकल का मतलब क्या है ये उनको भी नहीं मालूम है। तो वो बच्चे पोइम सुनाते हैं, कौन सी पोइम सुनाते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले, वो मुझे सुनाते। तो मैं उनको पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, रेन रेन गो अवे बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। और ये बच्चों की प्रार्थना है भगवान से, अगर सुन ली तो भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली, जो बारिश गिर रही है उसको वापस खींच लिया, बुला लिया, तो करोड़ों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में। क्या मूर्खता की कविता सुना रहे हैं, रेन रेन गो अभी कम, माने दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से सब खाली हो गया। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है ऊपर से, एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। फिर उनको जब मैं समझाता हूं कि इस कविता का तो अर्थ यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां कभी भी मत आओ, हमें खेलना है, ये इंग्लैंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी बारिश आती है। इंग्लैंड में तीन चीजों का भरोसा नहीं, वाइफ, सुनिएगा ध्यान से, वाइफ, पत्नी, वेदर, मौसम और वर्क माने नौकरी। किसी दिन नौकरी चली जाती है, किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं, जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए, एक दिन सवेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मत आना, नौकरी इतनी अनसर्टेन है। तो वर्क, वाइफ, पत्नी, सवेरे आपकी है, शाम को किसी दूसरे की हो सकती, कुछ भरोसा नहीं। और लंदन में, इंग्लैंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जानकारी दे सकता हूं जिन्होंने 20-20 शादियां की फिर भी 21वीं करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 20ों रही नहीं उनके साथ, वाइफ कभी भी जाती है। और वेदर, मौसम कभी भी बदलता है, अभी बहुत तेज धूप निकली है, अभी बारिश हो जाएगी, तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं। और शाम को अक्सर लंदन में बारिश होती है, अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं उसी समय बारिश होती है, तो बच्चे ये गाते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, बारिश तुम चली जाओ अभी तो हमको खेलने के लिए दो थोड़ा सा, क्योंकि खेलने के लिए कोई दिन बचता नहीं है। तो इंग्लैंड के बच्चे ये गाएं तो समझ में आता है, हिंदुस्तानी बच्चे ये गा रहे हैं, जहां बारिश बहुत जरूरी है, हर दिन जरूरी है, 3-4 महीने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन्न खा पाता है इस बारिश की ताकत पर, क्योंकि हमारे यहां तो खेती आप जानते हैं 60% खेती बारिश के भरोसे होती है, सिर्फ 40% खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है, वरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे। उस देश के बच्चे ये गाने लगे रेन रेन गो अवे और भगवान सुनने लगे ये रेन रेन गो अवे और इस पर एक्शन लेने लगे तो क्या होगा इस देश का, अकल से सोचो जरा क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। फिर लोग कहते हैं वही क्या सिखाएं, हमारे यहां तो दूसरी कविताएं हैं जो सिखाई जाती हैं बच्चों को। आप सब महाराष्ट्र के नजदीक रहते, एक मराठी कविता सुनाता हूं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाउसाला मोठा, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, और बारिश को बुलाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है इस देश का बच्चा। ये भारतीय कविता है जो इस देश की जरूरत है। ये कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को, हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पता ही नहीं है कि ट्विंकल कौन है, क्या है, किसको कह रहे हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को, गुड़ नहीं खिला सकते। ईटिंग शुगर नो पापा, गुड़ भी तो खिला सकते, रसगुल्ला खिला सकते, जलेबी खिला सकते हैं, इमरती खिला सकते हैं, शुगर ही खिला रहे, क्योंकि इंग्लैंड में शुगर ही बनती है, रसगुल्ला बनता नहीं, गुड़ बनता नहीं, जलेबी बनती नहीं, सब कुछ अंग्रेजियत वाला। इस भाषा ने तो
सत्यानाश कर दिया हमारा। इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है, वरना इस देश का भला नहीं है। और भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये प्रश्न उठाया है और सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए, उसके स्थान पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की अनिवार्यता होनी चाहिए। इस देश की सभी शिक्षण व्यवस्था, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमबीए की, बीबीए की, सारी शिक्षण व्यवस्था मातृभाषा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, हर गरीब का लड़का इस देश में आईपीएस आईसीएस हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। हर गरीब का लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। फिर कुछ लोग इस देश में कुतर्क देते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम को हम हिंदी में कर पाएंगे क्या? हां कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है, कमी नहीं है हमारे पास। अंग्रेजी के पास तो मूल शब्द नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे कम शब्दों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है, शब्द ही नहीं है उनके पास। इसलिए तो चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सबको अंकल ही कहते हैं, कोई शब्द ही नहीं है दूसरा। चाची, मामी, मौसी, फूफी सबको आंटी ही कहते हैं और कोई शब्द नहीं है। और कभी कभी ऐसी हैरानी होती है, वो कह देते हैं फादर इन लॉ, कौन से बता सकते हैं? इधर के कि इधर के? मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली? विचित्र विचित्र शब्द। और इसका अर्थ क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता। फादर इन लॉ कानून से? अब रिश्तों में कानून को घुसाओगे तो क्या होगा इस देश में? क्योंकि शब्द नहीं है। ससुर, ससुरा, हमारे यहां तो कितने तरह के ससुर होते हैं, चैया, ततुर, ससिया, वो ताऊ के ससुर हैं, मौसा ससुर हैं, फूफा ससुर हैं कि नहीं, फूफिया ससुर हैं, मौसिया ससुर हैं, तैया ससुर हैं, कितने तरह के ससुर, वहां एक ही है फादर इन लॉ। कितनी सास है वहां एक ही है मदर इन लॉ। कोई दम नहीं है इस भाषा। मुझे तो हंसी इस भाषा पर याद आती है, प्यूटी पुट, तो ब्यूटी बुट, और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट, सीयूटी कट, ब्यूटी बट तो प्यूटी पट। होना चाहिए कि नहीं? कुछ मालूम ही नहीं कहां क्या हो जाए। कभी कभी इतनी हंसी आती है, अंग्रेजी में आप चोपड़ा लिखो, चोपड़ा तो स्पेलिंग क्या है? सी एच ओ पी ए आर ए, यही स्पेलिंग है ना, तो ये हो गया चोपड़ा। यहां पे सी एच है तो चा का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब इसी उच्चारण को केमिस्ट्री में लिखो, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, तो केमिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं? अगर सी एच यहां चो है चोपड़ा में, तो सी एच केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में जाना चाहिए। और अगर सी एच वहां का है केमिस्ट्री, तो यहां चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ सिर पैर ही नहीं है इस भाषा। और अंग्रेजी के जो विशेषज्ञ हैं ना, वो खुद मानते हैं कि हमारी भाषा का सिर पैर नहीं है, क्योंकि इसका मूल जो स्थान है ना, वो ही तय नहीं है अभी तक, कि ये लैटिन में से आई, कि ये फ्रेंच में से आई, कि ये जर्मन में से आई, कि ये किसी इटालियन में से। वो कहते हैं मूल पता नहीं है, खिचड़ी है सब, इसलिए इसमें स्पष्टता नहीं है। तो जिस भाषा के विशेषज्ञ खुद कहते हो कि हमारी भाषा का मूल स्थान हमें मालूम नहीं, उसमें हम फंस गए। क्यों? हट जाओ इसमें से, निकल आओ बाहर, इसमें कुछ दम नहीं है। आप बोलोगे ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और वो भी 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती। फ्रांस में अंग्रेजी नहीं,
जर्मनी में अंग्रेजी नहीं, जापान में अंग्रेजी नहीं, चीन में अंग्रेजी नहीं, रूस में अंग्रेजी नहीं, डेनमार्क में अंग्रेजी नहीं, नीदरलैंड में अंग्रेजी नहीं, इटली में अंग्रेजी नहीं, स्पेन में अंग्रेजी नहीं, स्वीडन में अंग्रेजी नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, 100 कम से कम 86 देशों में अंग्रेजी नहीं है। और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वहां उनकी मातृभाषा है, और कई देश तो उसमें भारत के जिले के बराबर के देश है। डेनमार्क है, बैतूल जिले से छोटा है, बैतूल की आबादी तो डेनमार्क से ज्यादा है। अब इतना छोटा देश डेनमार्क अपनी भाषा चला सकता है, बना सकता है और उसमें काम कर सकता है, तो हम हिंदी जो करोड़ों भारतवासी बोलते हैं भारत और भारत के बाहर, उसको क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं चला सकते? जर्मनी तो हमारे राज्यों में कई राज्यों से छोटा है, मध्य प्रदेश तो जर्मनी से बड़ा है और जर्मनी जर्मन चला सकता है। फ्रांस मध्य प्रदेश से छोटा है, मध्य प्रदेश फ्रांस से बड़ा है और फ्रांस में फ्रेंच चल सकती है, जर्मनी में जर्मन चल सकती है, तो हिंदी क्यों नहीं चल सकती या मराठी गुजराती क्यों नहीं चल सकती? तो हमको भारतीय भाषाओं में काम करना है और इसी में पढ़ाई करनी है। और पूरे पाठ्यक्रम को अगर आप भारतीय भाषाओं में बदल देंगे तो हमारे पास शब्दों की तो भंडार है, कोई कमी नहीं आने वाली है। तकनीकी शब्दों का भी भंडार हमारे पास है। इस देश में एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। पिछले सालों साल वो संस्थान यही मेहनत कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा के तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद कर देना, और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बस उसका उपयोग करने की जरूरत है इस देश में, शब्दों की कोई कमी नहीं, भंडार हमारे पास है। और संस्कृत तो दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों शब्द बन सकते हैं। आप धातु रूप और शब्द रूपों को एक दूसरे से संयोजित करना जान लीजिए, करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं। ये संभावना किसी दूसरी भाषा में नहीं है, हमारे ही पास। तो भाषा की गुलामी भी हमको छोड़नी है। आप बोलेंगे कहां से छूटेगी, सरकार से तो छुड़वानी है, सरकार आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अंग्रेजी गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो वो तो मानते नहीं इसको, तो उनसे तो छुड़वानी पड़ेगी जबरदस्ती। जैसे अंग्रेज इस देश को छोड़ने को तैयार नहीं थे, वैसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको दबाव डालकर या दूसरे तरीकों से उनको नीचे लाकर उनको सरेंडर करवा के ये छुड़वाना पड़ेगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया, शायद उससे बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। और आप सब इस आंदोलन की तैयारी करें। हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से संकल्प ले लिया है कि 2 साल के अंदर सारे देश में भारतीय भाषाओं के लिए, मातृभाषाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं जितना कभी अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में हुआ था। ये हमारा संकल्प। अब ये हमने संकल्प लिया है, आप भी लें, क्योंकि हमारा संकल्प आपका बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। आप अगर ये संकल्प लेते हैं तो अपने जीवन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत का कम से कम इस्तेमाल करें, तो अपने जीवन से शुरुआत करें, फालतू अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल ना करें आपस की बातचीत में। हम बहुत बार ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं मालूम है, बोलते रहते हैं हम। अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं, कई कई बार मैं भारत के ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए और भारतीय रह नहीं पाए, अधकचरे हो गए। हाँ, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए पूरी और भारतीय रह नहीं पाए, ऐसे घरों में जाता हूं तो वो किस तरह से बात करते हैं, ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसिज। मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसिज, तो वो थोड़े बौखला जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं तुमको मालूम है मिसेस का अर्थ क्या होता है? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम तो मत बोलो। क्या अर्थ है मिसेस का जानते हैं? मिसेस शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे इंग्लैंड में, यूरोप में क्या होता है ना, बिना शादी के पति पत्नी बन के साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं यूरोप में। शादी नहीं करते लेकिन रहते पति पत्नी की तरह से, बच्चे भी कर लेते हैं, शादी नहीं करते, ये विचित्र परंपरा है।
एक के साथ आज रह रहे हैं, कल दूसरे के साथ रह रहे हैं, परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं, किसी दिन चौथे के साथ, किसी दिन पांचवें के साथ। एक एक आदमी 40-40 स्त्रियों के साथ रहता है, एक एक स्त्री 40-40 पुरुषों के साथ रहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जिन 40 के साथ रहते हैं, जिसमें एक के साथ अगर शादी हो गई तो उसको छोड़कर सब मिसेज हो जाती है। समझिएगा इस बात को, मिसेस का माने है धर्म पत्नी को छोड़कर वो सारी महिलाएं जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं, बिस्तर पे रह चुके हैं, वो मिसेस होती हैं। धर्म पत्नी मिसेस नहीं होती। और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं। अब हम हमारी धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे रहते हैं, ओ शी इज माई मिसेज। तब मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसेज। मत बोलिए, अच्छा शब्द नहीं, बहुत खराब। हमारे देश में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, तो हम क्यों बोलें ये? जब नहीं हो तो बोलना मजबूरी हो सकता। अपने पास तो है ना श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि, तो लक्ष्मी और बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती, जहां एक साथ हो वो श्रीमती। कितना सुंदर शब्द है, तो श्रीमती छोड़ के मिसेज में क्यों फंस गए? तो माताओं बहनों से निवेदन है कि मिस्टर ना कहें अपने पति को, भाइयों से निवेदन है पत्नियों को मिसेज ना कहें, यहां से शुरू करें। और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का मैडम, बहुत खराब। ये जो मैडम शब्द है ये अंग्रेजी का नहीं है, मूलतः फ्रेंच का है। ये फ्रेंच में एक शब्द होता है मा दाम, एम ए माने मां, डी ए एम ई दाम, दाम माने होता है स्त्री, महिला, औरत, उसको दाम कहते हैं। और एम ए माने मां, मां माने मेरा, जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना, एम वाई माई, उसको फ्रेंच में मां कहते हैं। एम ए मां माने मेरा, तो मां माने मेरा, दाम माने स्त्री, तो मेरी स्त्री, मेरी स्त्री मैडम होती है। और यहां आप हर एक किसी को कहने लगते हैं मैडम 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 मैडम। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उससे। आप पूछो और वो आपको परमिशन दे, तब आप उसको मैडम कहो। ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है, मत बोलिए आप उसको। अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जाने, समझें, फिर उसके बाद उनका उपयोग करें तो ठीक है। लेकिन जब आप जानते नहीं, समझते नहीं और उनका उपयोग करते हैं तो उसमें गुड़गोबर हो जाता है। तो ये फालतू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाएं। मैं तो आपको एक निवेदन और करूंगा कि आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो उस हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करें या आपकी मातृभाषा में करें, कन्नड़ में करें, तेलुगु में करें, तमिल में करें। अब बैंकों ने यह सुविधा दे दी है कि आप कन्नड़ हस्ताक्षर करके अपना खाता खुलवा सकते हैं, उसको चालू करवा सकते हैं, तमिल में हस्ताक्षर करके भी कर सकते हैं। भारत की 22 भाषाओं में बैंक के खाते खोले जा सकते हैं। तो फिर अब यह सुविधा है तो फिर अंग्रेजी क्यों? हस्ताक्षर बंद करिए अंग्रेजी। आप बोलेंगे हमने तो पुराना अकाउंट खोल रखा, बदल दीजिए हस्ताक्षर, कभी भी बदले जा सकते। बैंक को एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, अब मैं हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहता हूं। बैंक सहर्ष ये काम करेगा, नहीं करेगा तो मुझे बताइए, करना पड़ेगा उनको। क्योंकि संविधान में जितनी भाषाओं को दर्जा मिल चुका है उन भाषाओं में तो काम करना हर बैंक और बीमा कंपनी की मजबूरी है। तो आप बैंकों के हस्ताक्षर बदलिए, आपसी बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, दूसरे पर रौब झाड़ने के लिए कभी अंग्रेजी मत बोलिए। हम में से कई ऐसे अधकचरे लोग हैं जो दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं, आतंकित करने के लिए उसको अंग्रेजी बोलते हैं। क्या जरूरत है? अपना ही भाई है, अपनी ही बहन है, उस पर रौब झाड़ने से क्या निकलने वाला है? रौब झाड़ना है तो ज्ञान का झाड़िए, चरित्र का झाड़िए, भाषा का मत झाड़िए, और वो भी विदेशी भाषा का तो बिल्कुल रौब मत झाड़िए। अपने जीवन से हटाइए, फिर धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हटाइए,
और फिर अपने राजनीतिक जीवन से हटाइए। मैं तो हिंदुस्तान के नेताओं से जब बात करता हूं तो उनसे कहता हूं, जब वोट मांगने जाते हो तो हिंदी में बात करते हो, और संसद में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरह से खड़े हो जाते हो तो गिटपिट अंग्रेजी चालू कर देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मतदाताओं से वोट मांगते समय गुजर